नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पलता कुटेटा, आई कंसल्टेंट एट मणिपाल हॉस्पिटल। आज मैं आपसे कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना चाहती हूँ। अभी बहुत ही एग्जाम सीजन पास में आ रहा है। इसके अलावा जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो डे टू डे कंप्यूटर के साथ में उनका लॉन्ग आवर्स का सिटिंग होता है, इन दोनों ही पॉपुलेशन के लिए मैं आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बेसिकली कंप्यूटर घर में और ऑफिस में हमारी बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है, तो हम उससे दूर रहें ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम इसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, तो हम कई बार अपनी पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान होते हैं। आई में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें आपको आंखों में चुभन होना, पानी आना, आंखों का थकान होना, आंखों से धुंधला दिखना या डबल विजन होना, ये सब प्रॉब्लम्स कई बार होती हैं, जो आप कई बार कंप्यूटर जब ऑफ करते हैं तो ठीक भी हो जाता है, बट कई लोगों को लॉन्ग रन में ये बनी भी रहती है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है? इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं। वन इज योर पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर मतलब कि आपका जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए, आपकी जो सिटिंग है टेबल और चेयर का, जो आपका रेशियो है बैठने का, वो ठीक होना चाहिए। आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन जो आपसे दूर है वो अप्रोक्सीमेटली 35-40 इंचेस दूर होना चाहिए। आपकी चेयर की हाइट या तो अप होनी चाहिए आपके टेबल से, या फिर आपको जो अपना एंगल है कंप्यूटर का उसको 10-20 डिग्री के लिए टिल्ट करके रखना चाहिए, ताकि आप सीधे परपेंडिकुलर उसको ना देखें। हल्का सा बैंड होगा अगर कंप्यूटर, तो रेडिएशन जो है सीधे आपकी आईज को अफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब है कि आपका जो बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन है, यानी कि जो रूम की लाइट्स हैं, वो इसमें इतना असर डालती हैं कि अगर आप स्क्रीन पे जो लाइट है उससे कम लाइट अगर रूम की होगी, तो वो आपके आंखों पे ज्यादा तेज रोशनी का असर होगा। तो हमें बेसिकली रूम की लाइट अच्छी रखनी चाहिए, और अगर हम 50+ हैं तो डेफिनेटली हमें नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा लाइट चाहिए। हम कंप्यूटर का रेजोल्यूशन और इल्यूमिनेशन अगर कम रख सकते हैं तो हमें उसे थोड़ा कम रखना चाहिए, उसकी ब्राइटनेस मोड को कम रखना चाहिए, बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन अच्छा रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम फिल्टर स्क्रीन यूज कर सकते हैं तो वो हमें कंप्यूटर पे अप्लाई करनी चाहिए। इसकी वजह से आपका थोड़ा रेडिएशन, आपका जो इनटेक है आईज के लिए, वो कम हो जाता है। उसके अलावा जो है, आपको एसी और कूलर के सीधे सामने नहीं बैठना चाहिए। आप ध्यान रखें जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो एसी की हवा आपके साइड से या पीछे से आए, सीधे सामने से नहीं आए। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं पहले से, अगर आपको नंबर वाले ग्लासेस की जरूरत है तो आप डेफिनेटली पहने, नहीं तो प्लेन एंटी रिफ्लेक्टिव चश्मे जो है वो भी आपको कंप्यूटर से होने वाली ड्राइनेस से बचाते हैं। तीसरा फैक्टर जो हमारा होता है वो सीधे ड्राई आई से रिलेटेड होता है, कि उसमें आपको आईज से रिलेटेड क्या करना है। आप जब कंप्यूटर पे काम करें तो आप बीच में फोर्सफुल ब्लिंक करते हैं इस तरीके से। जब आप फोर्सफुल ब्लिंक करते हैं तो आपका टियर फॉर्मेशन वापस से नॉर्मल होने लगता है। इसके अलावा एक 20-20-20 का रूल होता है। बेसिकली अगर आपने 20 मिनट लगातार तो आपने देखा है कंप्यूटर को, तो आप उसके बाद में ब्रेक लेंगे, उसके लिए आप 20 फीट पर देखेंगे फॉर 20 सेकंड्स। ये पॉसिबल है तो ये करिए, नहीं तो आप ब्रेक लेकर के आईज को क्लोज कर लें, या फिर आप एक राउंड बाहर का लगाकर आ जाए। यानी कि आपकी आंखों को आपको डाइवर्ट करना है सिर्फ कंप्यूटर विजन से, आपको उन्हें कुछ दूर का दिखाना है जिससे वो रिलैक्स हो सकती है, या फिर आप फ्रीक्वेंटली वॉश करें अपनी आईज को। इस तरह से आप अपनी आईज को रिलैक्स कर सकते हैं, इसकी वजह से आपकी आंख में होने वाली ड्राइनेस से आप बच सकते हैं। अगर ये सब करके भी आपको रेडनेस, पेन, वॉटरिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होता है, तो फिर आप अपने कंसर्निंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को मिलिए। उससे आप मिलकर के आर्टिफिशियल टीयर्स वगैरह वो लोग सब्सक्राइब करेंगे आपको, फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तब आपको स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है कि आप कोशिश करें या तो उसके ऊपर आप प्लेन चश्मा पहने, या फिर अगर आप जेन्युइनली ड्राइनेस फील करते हैं तो फिर आप आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें। थैंक यू।